स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिस डिप्टी। डियर स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल और एमबीबीएस स्टूडेंट्स करने वालों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है एचएससी की तरफ से, वो है क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में एफएससी प्री मेडिकल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ कंट्री जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री, उन स्टूडेंट्स के लिए एचएससी की तरफ से क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। ये स्कॉलरशिप जो है एचएससी की तरफ से बहुत ही कम अनाउंस की जाती है और ये स्कॉलरशिप जो है साल में एक मरतबा क्यूबा की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप अनाउंस की जाती है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है और ये क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हर साल अगस्त और सितंबर में ही एचएससी की तरफ से अनाउंस की जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान भर से मेल और फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स भी लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और जितनी भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है और वो स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्यूबा जाकर अपना एमबीबीएस कंप्लीट करता है। एचएससी की तरफ से क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर दी गई है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, www.gov.pk/cgs। इसके अलावा स्टूडेंट इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 12 सितंबर 2022 है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इनकी वेबसाइट पे जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए। डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनकी एलिजिबल क्राइटेरिया फर्स्ट नंबर पे लिखे हुए एटलीस्ट 70% और अबाउ मार्क्स इन एफएससी ए लेवल प्री मेडिकल एंड 60% और अबाउ मार्क्स इन एसएससी और मैट्रिक और ए लेवल। दोस्तों, आप स्टूडेंट्स आपको समझ भी आ गया होगा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एफएससी और ए लेवल प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 70 मार्क्स की एलिजिबिलिटी है और एसएससी और मैट्रिक के लिए और लेवल के लिए 60% मार्क्स की एलिजिबिलिटी है। सेकेंड नंबर पे ये बताया जा रहा है कि रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज एचएससी रिक्वायर्ड फाइनल स्कोर फॉर मेरिट। यानी कि दोस्तों, इसमें ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स के कि जिन स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है अब वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो 2022 में अनाउंस होने वाला है वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट 2021 में अनाउंस हुआ है वो स्टूडेंट्स इसके इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ऑल पाकिस्तानी एज के नेशनल एज बिटवीन 18-25 ईयर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि स्टूडेंट्स, ये बताया जा रहा है कि जितनी भी पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जितनी भी स्टूडेंट्स हैं और डेडलाइन तक उनकी जो एज है वो 18 और 25 के दरमियान होनी चाहिए। अगर 18 से कम हुई फिर भी एलिजिबल नहीं है और 25 से ज़्यादा हुई फिर भी एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। यानी कि स्टूडेंट्स, जितनी भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो मेरिट बेस पर होगी, कोई भी इसमें सब कुछ उभार नहीं है, सारा जो भी कुछ होगा वो मेरिट बेस पर होगा। इसके अलावा दूसरा मेरिट फार्मूला जो है वो 50% एफएससी मार्क्स पर मुश्तमिल है और 50% मैट्रिक मार्क्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा दूसरा हम इसकी फंडिंग देखते हैं कि इनकी क्या फंडिंग है। फंडिंग डिटेल्स यहाँ पे बताई जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा विल बी बोन फॉर्मिंग एक्सपेंस। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ क्यूबा जो है जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में कैंडिडेट जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं स्कॉलरशिप के लिए उनके लिए वो क्या एक्सपेंस उठाएंगे। ट्यूशन फी उनकी फ्री होगी और रिकमेंडेशन ये उनकी फ्री होगी, फूड वगैरह क्यूबा की तरफ से जो मिलेगा वो फ्री होगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू लिविंग एक्सपेंस इन फॉर्म ऑफ स्टिपेंड 100 क्यूबन पेसेस पर मंथ। यानी कि उनके लिए पर मंथ जो है 100 क्यूबन पेसेस जो पर मंथ दिए जाएंगे और 1 क्यूबन जो है वो 9.21 रुपीज़ के बराबर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये भी बताया जा रहा है कि अदर एक्सपेंस लाइक राउंड ट्रिप एयर टिकट्स बाइंग ऑफ हलाल फूड मेडिकल इंश्योरेंस डिजीज और अदर कॉजेज और वाइस वीजा फी शैल बी बॉन्ड बाय द स्टूडेंट्स गारंटी एंड हाउ एवर वन टाइम ग्रांट ऑफ द 30 लाख शैल बी प्रोवाइडेड टू द स्कॉलरशिप। यानी कि स्टूडेंट्स, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो एयर टिकट वगैरह है और इसके अलावा हलाल फूड वगैरह खरीदना और मेडिकल जो इंश्योरेंस वगैरह मेडिकल जो मतलब बीमारी वगैरह जो उनके लिए इंश्योरेंस वगैरह मेडिसिन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो स्टूडेंट जो है वो खुद ही करेगा, अपनी पैसे से ही करेगा। और इसके अलावा
टिकट वगैरह मतलब आना जाना जो है वो भी अपने पैसों से करेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से रुपीज आप भी बताई जा रही है, इतनी रुपीज जो है वो स्टूडेंट्स को दी जाएंगी पर ईयर आई थिंक। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए वो लाजमी है कि पाकिस्तानी अकाउंट भी होना बहुत ही लाजमी है। इसके अलावा एप्लीकेशन के क्राइटेरिया कि कौन से स्टूडेंट जो है मतलब किस प्रोसेस से एजेसी के लिए अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन एट एचएससी वेबसाइट। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स ये वेबसाइट लिखी दी गई है, इस वेबसाइट पर ही हमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर ही है, और 12 सितंबर जिसकी टाइमिंग 4 PM है। इससे अगर 4 PM से टाइम गुजर जाएगा तो फिर इससे अप्लाई नहीं कर सकते। और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की वो है ज़रूरत है वो ये है, कॉपी ऑफ एचएससी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन एचएससी की कॉपी चाहिए, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की। और इसके अलावा एसएससी सर्टिफिकेट चाहिए, डीएमसी डिग्री और आईबीएम अटेस्टेशन, ये तमाम चीज़ें चाहिए ओ लेवल वगैरह की। इसके अलावा एफएससी सर्टिफिकेट, डीएमसी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फादर गार्डियन सर्टिफिकेट, सीएनएससी चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा फोटो कापी ऑफ विलेट पासपोर्ट, पासपोर्ट की फोटो कापी चाहिए, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के लिए लाजमी होगा। इसके अलावा जो पासपोर्ट चाहिए वो 6 मंथ, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है फर्दर क्राइटेरिया भी बताई गई है। और इस फ्रंट और बैक साइड जितनी भी है फोटोज़ वगैरह ना, तरह से बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गए और पासपोर्ट हो गए हैं, और ये हमारे एसएससी और एचएसएससी के सर्टिफिकेट और फ्रंट बैक साइड से अटेस्टेड भी होने चाहिए। और एचएससी के डॉक्यूमेंट्स पर हमने भेज देने हैं, अप्लाई करके उनको इस डॉक्यूमेंट्स को एचएससी के लिए भेज देने चाहिए, भेज देंगे। और इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है उनका, जितनी भी जिनको भी कोई भी मसला पेश आ रहा होता है वो एचएससी की हेल्पलाइन पे अप्लाई कर सकते हैं, और उनको फर्दर डिटेल भी उन्हीं की तरफ से मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मेडिकल, फ्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए क्यूबन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।